पहले तो आप सभी को माई छोटा की तरफ से माँ सरस्वती शिव पंचमी बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामना। मेरा नाम चैतन्य किशोर हुआ, मैं माई छोटा की तरफ लिखता हूँ और पिछले दो तीन महीने से मैं क्लास चल रही हूँ, अभी इसका तीन महीने पहले इसका होता है। इसमें भी बच्चे आते हैं, बस फीस की कमी होती है, वो भी यहाँ पे आते हैं, स्टडी करते हैं। मैं फैसिलिटी सारे क्योंकि बचपन जितने भी स्कूल है सबसे ज्यादा अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। कोरोना काल के बाद बच्चों का स्कूल खास करके प्रभावित हुआ है कोरोना काल में, तो कोरोना काल के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये फिर से रिफॉर्म हो रहा है या नहीं? कोविड तो महामारी है, वो तो गवर्नमेंट का रूल उसको फॉलो करना था। कोविड के कारण बहुत से बच्चे जिनका एजुकेशन बहुत पीछे बैठ चुका है, जितने बच्चे कई आठ साल दस साल हो चुका है वो भी बच्चा शुरू से ही पढ़ाई कर रहा है। तो कोशिश तो रही कोविड के कारण जो भी लॉस हुआ है स्टडी में या फिर किसी गार्जियन को बच्चे का लॉस वॉस कर। आप लोगों ने स्कूल पहले खोला था, जस्ट उसके बाद कोविड लगा, तो ये आज स्कूल को आप फिर से खोल रहे हैं या आप कंटिन्यू चला रहे थे पहले? नहीं सर, कोविड के बाद गवर्नमेंट का जो रूल हुआ था बिहार सरकार के स्कूल बंद करना, तो हमने स्कूल बंद कर दिया था। मैं भी सरकार भी बोली 7 फरवरी से स्कूल खुलेंगे, तो 7 फरवरी से हम फिर से 7 फरवरी से आप फिर से इसको रीओपन करेंगे? जी सर। तो आज सरस्वती पूजा के अवसर पर आप गार्जियनों से क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? गार्जियनों से तो यही कहेंगे जो महामारी कारण जो बच्चे अभी खड़े बैठे हुए हैं वो बहुत कुछ लॉस, मतलब जितना उनको जानकारी चाहिए था सोशल के बारे में या फिर स्टडी के बारे में वो नहीं मिल पाया। उनसे एक निवेदन करना चाहिए कि बच्चों की स्कूल भेजें, 7 फरवरी के बाद स्कूल खुलेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास से बच्चा उतना सीख नहीं पाता है। आप एक बार वर्चुअल क्लास भेजिए, ऑफलाइन क्लास भेजिए और जरूर भेजिए। आज एक स्कूल का रीओपनिंग है, तो इतने दिन तक स्कूल बंद रहा और आज रीओपन आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए सरकार को स्कूल खुलना पड़ा और कोरोना भी हल्का हो गया, क्योंकि विगत तीन सालों से हम लोग देख रहे हैं कि स्कूल का मतलब कि बच्चे का भविष्य का बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मुझे रीओपनिंग करने का मौका मिला। कोरोना काल में चाहे जितनी भी गलतियां हुई हो या जितना भी महामारी फैला हो, लेकिन एक बात तो है कि ये कोरोना काल जो है एक ऑप्शन मिला बच्चों के लिए भी और गार्जियन के लिए भी कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस के लिए अभी पूरी तरह से मानसिकता लोगों की तैयार नहीं है? नहीं, अभी भी मानसिकता नहीं। देखिए हमारे देश में अभी भी 40% लोग ऐसा है जिसके घर में एक टू एंड्रॉइड मोबाइल है, जो बहुत मुश्किल से लोग मतलब कि खरीद पाते हैं, मतलब गरीब तबके के लोग ज्यादा हैं। तो वो लोग बहुत लोग तो कर्ज लेके फाइनेंस कर लेके किस पे लेके मोबाइल खरीद, बच्चा के हाथ से मोबाइल गिर जाता है, मोबाइल पटक जाता है और बच्चा पढ़ नहीं पाता मोबाइल में। एक समय हम लोग बच्चे को मोबाइल से दूर रखते थे, अभी मोबाइल दे रहे पढ़ने के लिए, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, नहीं पढ़ पा रहा बच्चा। मतलब आपका कहना है कि ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं है अभी तक? नहीं, क्लास 5 से ऊपर ऑनलाइन तो चल सकता, क्लास 5 से नीचे ऑनलाइन नहीं हो सकता पढ़ाई। बसंत पंचमी के लेके मैं बिहार के तमाम हिंदुस्तान के तमाम भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि सरस्वती पूजा है, ये विद्या का त्यौहार हम लोग मानते हैं, लेकिन ये केवल विद्या का त्यौहार नहीं है, ये कला के त्यौहार है। सरस्वती माँ केवल कॉपी किताब में नहीं है, जिसके पास जो आर्ट है, जो कला है, जो अच्छा डांस सीखता है वो भी अच्छा कलाकार है, तो उस व्यक्ति में भी सरस्वती माँ की गुण है। तो सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाएं और कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करते हुए। अपना नाम दीजिए। जी गोपी किशन, जदयू नेता, गरीब सहायता केंद्र, जय गरीब।